गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11th का सेट थ्योरी चैप्टर को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले सेट थ्योरी में हम लोग जानते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स का डिफिनीशन क्या होता है। सेट्स का डिफिनीशन और सेट को हम लोग कहते क्या हैं, तो सेट को हम लोग समुच्चय कहते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं सेट थ्योरी मीन्स लिखा हुआ है समुच्चय सिद्धांत। तो सेट्स का मीनिंग होता है समुच्चय। इसका डिफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो देख रहे हैं कि सेट का डिफिनेशन मैंने दिया कि ये सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ अब ये समझना है कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का क्या अर्थ है। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से क्या अर्थ निकलता है? तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का अर्थ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे मैं बात करूं कलेक्शन ऑफ वाइज स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो ये कलेक्शन ऑफ वाइज स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो इसमें हम वाइज स्टूडेंट की बात करेंगे। तो वाइज स्टूडेंट का कोई पैमाना नहीं होता कि किस क्राइटेरिया से हम ये बता सकते हैं। वाइज होने का बहुत सारा क्राइटेरिया हो सकता है। कोई बच्चे किसी एंगल से वाइज होंगे, कोई लर्निंग कैपेसिटी अधिक होगा किसी का, किसी की राइटिंग अच्छी होगी, किसी को कंसेप्ट अधिक क्लियर होता होगा। तो इस तरह से वाइज स्टूडेंट जब हम कहते हैं तो वाइज स्टूडेंट का कोई आप अपने हिसाब से उसका डिफिनेशन निकाल सकते हैं, हम अपने हिसाब से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से वाइज स्टूडेंट का डिफिनेशन वैरी करेगा हमारे अनुसार, आपके अनुसार। तो जहाँ की डिफिनीशन वैरी नहीं करे तो उसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। तो जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक तरफ हम लिखते हैं ए ई आई ओ यू, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वॉवेल हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ये फाइव लेटर को वॉवेल कहा जाता है। तो ये वॉवेल हम भी कहेंगे तो इसको ए ई आई ओ यू को वॉवेल कहेंगे, आप भी कहेंगे अपने तरीके से, तो इसको वॉवेल छोड़ के दूसरा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कहने का अर्थ कि ऐसे जो कलेक्शन होते हैं ये वेल डिफाइंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ बाई स्टूडेंट इन ए क्लास, तो इसका कोई क्लियर डिफिनीशन स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वेल डिफाइंड की श्रेणी में नहीं आएगा। जबकि ए ई आई ओ यू वेल डिफाइंड की श्रेणी में आ जाता है। तो इस तरह हम इसको क्लियर कर सकते हैं दूसरे भी एग्जांपल से। जैसे और एग्जांपल हम देते हैं, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। अगर हम कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल की बात करें तो डेंजरस एनिमल का भी कोई वेल डिफिनीशन, कोई क्लियर डिफिनीशन नहीं होगा, क्योंकि डेंजरस में कोई ऐसा भी जीव होता है कि बहुत विषैला होता है, उसको डेंजरस कहा जा सकता है। कोई ऐसा भी जीव होता है कि विषैला नहीं होता है, वो
अटैक करने वाला होता है, जैसे बाघ शेर है, डेंजरस है, स्नेक है, विषैला होता है, कुछ बिच्छू है जो डंक मारती है, तो इस तरह से डेंजरस की भी कोई करेक्ट डिफिनेशन हम नहीं दे सकते। तो इस तरह से ये कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, जबकि अगर हम यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से डैश डैश, तो ये सभी नंबर जो हैं ये सभी नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, तो इसलिए इसको हम भी नेचुरल नंबर के डिफिनेशन में काउंटिंग नंबर कहते हैं कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। हम भी कह सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, सारी दुनिया इसको नेचुरल नंबर ही कहेगी। तो इस तरह से वेल डिफाइंड है। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस सेट को, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं, जैसे ए बी सी डी इस तरह से। अब इन सेट में, सेट का जो नामकरण कर रहे हैं ए बी सी डी, इसके अंदर हम इनको कैसे डालेंगे, इसके मेंबर, जैसे हम यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये सेट ए के मेंबर हैं, ए ई आई ओ यू ये सेट के मेंबर हैं, इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट के अंदर और कॉमा देते हुए लिखते हैं। इसी तरह से हम सेट बी बराबर लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8 इसमें हम देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है, तो ये सभी सम संख्या हैं, इवन नंबर्स। तो इस तरह से ये वेल डिफाइंड मेंबर हैं और इसमें भी वेल डिफाइंड मेंबर है। तो वेल डिफाइंड ये जब मेंबर का कलेक्शन हुआ तो ये सेट हो गया और यह भी एक सेट हो गया। अब इसके अंदर जो मैंने इनको डाला, ये सभी जो हैं इसके सदस्य कहलाते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ए एप्सिलन कैपिटल ए, इसका अर्थ ये हुआ कि ए मेंबर है सेट ए का, ए मेंबर है सेट ए का। इस साइन को हम लोग एप्सिलन पढ़ते हैं, ए एप्सिलन ए, इट मीन्स ए सदस्य है सेट ए का। इसी तरह से हम यहाँ 2 एप्सिलन बी लिखने का अर्थ हुआ कि 2 सेट बी का एक मेंबर है, कहने का अर्थ कि 2 सदस्य है, मेंबर है, एलिमेंट है, जो भी हम कह लें, तो ये सभी कुछ इसको हम बोल सकते हैं कि 2 समुच्च बी का एक सदस्य है, 2 समुच्च बी का एक मेंबर है, 2 समुच्च बी का एक एलिमेंट है। अगर ये नहीं है तब ऐसे हम लोग लिखेंगे, जैसे इसमें 2, 4, 6, 8 अगर यहाँ पर हम लिख दें 10, तो 10 इस सेट का मेंबर नहीं है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 10 एप्सिलन नॉट बी, इसका अर्थ हुआ कि 10 समुच्च बी का एक सदस्य नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।